यार अभी भी ऑल स्टार में इंटरव्यू देके आया, तो इससे पूछते हैं इसे क्या क्या सवाल किए और इसे सैलरी का कितना बताया। तो क्वेश्चंस क्या पूछे हैं तुमसे? क्वेश्चंस उन्होंने मेरे से पूछे हैं। टाइमिंग क्या है इसकी? तो बेसिक सैलरी क्या दिया उन्होंने? बेसिक सैलरी तो उन्होंने मुझे, तो यार सबसे पहले अब मुझे बताओ कि अगर किसी ने ऑनलाइन उधर काम करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आ सकता है? हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू व्लॉग। तो यार आज हम जा रहे हैं कॉल सेंटर, कॉल सेंटर में मेरे दोस्त आ गए हैं, तो उधर जाके आज हम इंटरव्यू देंगे उधर, और देखेंगे कि वहाँ पे क्या सवाल होते हैं और क्या उनकी पेमेंट वगैरह का सिस्टम है। तो जाते हैं अभी कॉल सेंटर, जाके जो है वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं व्लॉग। तो यार कॉल सेंटर जो है वो नादरा ऑफिस के प्लाजे में है, रिमानाबाद 6 रोड। तो अभी मैं उस प्लाजे की बेसमेंट में मौजूद हूँ, अभी हम जाएंगे ऊपर। तो चलो अभी इसको बेहतर आज स्टार में आस्टार से वापस आते, फिर से पूछते हैं इससे क्या क्वेश्चन आंसर और सैलरी वगैरह का बता रहे हैं। तो यार अभी भी आज स्टार में इंटरव्यू देके आया, तो इससे पूछते हैं इससे क्या क्या सवाल किए और इसे सैलरी का कितना बताया। फीस इधर आ, इधर साइड साइड पे आ जा। हाँ भाई क्या 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 पूछा? पूछा तो दादा कुछ नहीं है, पहली बात यह कि अच्छे लोग थे, ठीक है, मेरे से मेरी पुरानी एजेंसी जॉब मैं करता था उसके बारे में पूछा है और उसकी सैलरी का पूछा है, और साथ ही ये बताया कि आपकी पहले ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग 3 दिन की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको एक टारगेट दिया जाएगा, सेल्स करनी पड़ेगी, वो टारगेट मुझे पूरा करना पड़ेगा, टारगेट मैं पूरा करूँगा तब जाके मैं वहाँ पे अपॉइंट होऊंगा, ताकि जब अपॉइंट हो जाऊँगा मेरी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। उन्होंने बताया कि क्वेश्चन क्या पूछे हैं तुमसे? क्वेश्चन उन्होंने मेरे से पूछे हैं, मैंने पहले तो आपको बताया कि पहली जॉब का पूछा है, मेरा फादर नेम, मेरा नेम, और उसके बाद एज वगैरह, यही चीज़ बेसिक इंट्रोडक्शन, बेसिक जो होती है वही पूछी है, उसके बाद कोई, उसके बाद फादर क्या काम करते हैं, ये छोटी मोटी चीज़ें मेरे से पूछी हैं, ठीक है। और एक मेरे से गोल पूछा है, वो मेरे साथ तो बड़े अच्छे चले हैं, उनके मुताबिक वो कहते हैं कि हम आपको आगे लेके जाएंगे। तो बेसिक सैलरी क्या दिया उन्होंने? बेसिक सैलरी तो उन्होंने मुझे भी यही 22 ही बताई है, ठीक है, ऑल स्टार में बेसिक तो उन्होंने मुझे 22 बताई है, और वो कह रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे आपको ज़्यादा सैलरी दे दें टाइम के साथ, टाइम के साथ, और मुझे 6 मंथ का बोनस वगैरह का क्या है? बोनस वगैरह भी उन्होंने बताया कि मतलब फर्स्ट ईयर जो सेल्स के हिसाब से होगी ना, पहले से 6 मंथ पहले क्या बता रहे थे? 6 मंथ का उन्होंने ये बताया कि आप 6 मंथ से पहले काम छोड़ नहीं सकते, नहीं तो आपके वो कहना है, वो कहता है कि अगर 6 मंथ से पहले अगर आप काम छोड़ते हैं तो एक छोटा सा उनका लेटर होता है जो हमने सारे इधर जितने भी कॉल सेंटर हैं सबको दिया हुआ होता है, मतलब छोड़ सकते हैं लेकिन बताने के बाद और वो भी कोई मजबूरी हो तभी, और ये है कि वो कह रहे हैं मजबूरी में हम आपकी जो है क्लियर कर सकते हैं अगर कोई है तो, और कहते हैं उसके अलावा आप 6 मंथ के अंदर अगर छोड़ भी देते हैं तो ये है कि 6 मंथ के अंदर आप किसी भी कॉल सेंटर में यहाँ पे काम नहीं कर सकते, ये चीज़ उन्होंने मुझे बताई है। बाकी ये कि अच्छा था, इंशाल्लाह मैं अपनी जॉब के साथ पूरा उतरूँगा, अपना गोल अचीव करूँगा। टाइमिंग क्या है इसकी? 7 to 4, 7 PM to 4 AM। अच्छा चलो। तो यार आपको छोटा सा डिस्क्लेमर देना था, कल जो मैंने वीडियो बनाई थी कॉल सेंटर वाले इंटरव्यू वाले, तो वो बेसिकली मैं इससे मिलने गया था, इससे मिलने गया था, ये उधर काम करता है, तो इससे मैंने पूछना था, लेकिन ये उधर मिला नहीं था, तो भी मैंने इसको इधर ही बुलाया, तो वो वाली वीडियो मैंने बना लिया, उसी को भी एडिट कर रहा था, तो इसका भी इंटरव्यू बीच में रिकॉर्ड, इधर रिकॉर्ड करते हैं छत पर जाके, तो इसका भी इंटरव्यू बीच में डाल देंगे। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, अपने कॉल सेंटर के हवाले से थोड़ा बताओ कि कितना अर्सा आपको हो गया? मुझे तकरीबन 8 मंथ हो गई। कौन से कॉल सेंटर? इनोवेटिव में। इनोवेटिव में तो आप जाके करते हो फिजिकल या ऑनलाइन? नहीं मैं जाके करता हूँ। तो यार सबसे पहले अब मुझे बताओ कि अगर किसी ने ऑनलाइन उधर काम करना हो तो उसका क्या प्रोसीजर है, कैसे आ सकता है? अगर आपने ऑनलाइन काम करना है तो सबसे पहले आप उनको कॉन्टैक्ट करोगे, वो आपको लिंक सेंड करेंगे जूम ऐप की, वहाँ पे और भी क्लासेस हो रही होती हैं, आप जाके ज्वाइन करोगे, आपकी ट्रेनिंग होगी, फिर आपसे वो ऐप मॉक कॉल लेंगे, अगर मॉक कॉल आप पास कर लेते हो तो आपको जज कर लेंगे भाई काम कर सकता है या नहीं कर सकता, तो उसके बाद वो आपको लॉगिन देंगे, इस तरह इजीली आप घर बैठ के भी काम कर सकते हैं। अच्छा तो इसकी सैलरी वगैरह क्या होती है? सैलरी जो है बेसिक जो है 25,000 है, और बोनस वगैरह मिला के 30 बन जाती है। अच्छा इसके काम करने का क्या तरीका, मतलब टाइमिंग इसकी? टाइमिंग जो है वो आप किसी भी टाइम कर सकते हो 24 घंटे में, वो आपको डेटा दे देते हैं, आपने जो भी कॉल वगैरह करनी होती है वो आप करके, तो 24 घंटे के बाद आपने इनको डेटा वापसी सबमिट करना, जितना मतलब डेटा होता है सारा कर देना होता है। हाँ मतलब अपना टारगेट पूरा करने के बाद, टारगेट पूरा करने फिर के जो अगर करते हुए फिर बोनस में काउंट होता है, ऐसे ही है, बोनस में काउंट होता है, ठीक है। तो इसकी सैलरी वगैरह क्या बन जाती है, इसकी बेसिक क्या और इसके बोनस वगैरह अगर हो के कितना हो जाता है? बता चुका हूँ 25 बेसिक है, बोनस मिला के जो है 30 बन जाती है, वैसे ही लोग बहुत कमा रहे हैं इससे, 90,000 लाख भी बना रहे हैं।
अच्छा, अब दूसरा जहाँ पे आप काम करते हो जिस तरीके से, मतलब फिजिकल, तो उसका थोड़ा बता दो कि वो उसका ये सबसे पहले आपको जाना होता है, आपको इंटरव्यू देना होता है, तो अगर वो आपको रख लेते हैं तो आपको बताते हैं आप इस तरीके से आ जाएं, फिर आपकी ट्रेनिंग होती है 5 से 6 दिन आपकी ट्रेनिंग होती है, फिर आपकी मॉक कॉल ली जाती है। मतलब वही ऑनलाइन वाला सिस्टम है, आपकी मॉक कॉल ली जाती है, उसी टाइम आपकी मॉक कॉल होती है उनके सामने, आप पास कर देते हो तो आपको जो है रख लेते हैं, अपॉइंट कर देते हैं। अवतार पे या वॉइस पे? आप जिस मर्जी पे कर लो, अवतार भी है और वॉइस भी। अवतार की सैलरी क्या और वॉइस की सैलरी क्या? मैंने आपको अवतार की बताई है 25 जो है बेसिक, और ठीक है, और वॉइस की? वॉइस की 45 है। अच्छा, तो जब आप जाते हो उधर इंटरव्यू देने के लिए, तो आपको इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछते हैं? क्वेश्चंस आपसे बेसिक पूछते हैं, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है, और उसके बाद ये पूछते हैं व्हाट इज कॉल सेंटर, ठीक है, और अपनी क्वालिफिकेशन वगैरह बता दो, रख लेते हैं आपको। तो वैसे क्वालिफिकेशन के लिए चाहिए क्या होती है? क्वालिफिकेशन कुछ भी नहीं चाहिए होती है आपको, बस हल्की बल्कि इंग्लिश समझ आनी चाहिए, इंग्लिश समझ आनी चाहिए आपको, सुननी आनी चाहिए, और बंदा बोल ना भी लेता हो अगर समझ आ रही हो ना बंदे को, तो अवतार भी बंदा कर सकता है। तो क्या है इसका आंसर, व्हाट इज कॉल सेंटर अगर पूछे तो? कोई कॉल सेंटर इज टेली मार्केटिंग, दो टाइप होती है टेली मार्केटिंग, एक इनबाउंड होती है और एक आउटबाउंड होती है, जो हम कर रहे हैं वो आउटबाउंड है, हम कॉल करके उनको अपना प्रोडक्ट जो है कमर्शियल कर रहे हैं कि हमारे पास ये है, अब ले ना ले उनकी मर्जी है। तो भैया थैंक यू अपना टाइम निकालने के लिए, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए, तो हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, बोलना सब्सक्राइब करो, लाइक करें, लाइक करें, लाइक शेयर करें, कमेंट करें, सब कुछ करें, सब कुछ करें, इंस्टा पे फॉलो करें, इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, इसको नहीं करना। अच्छा, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।